स्वागत है आपका मैं इस वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप यहाँ पर वॉलपेपर को चेंज करेंगे, ये है इन्फिनिक्स के मोबाइल में। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक बात और कहना चाहूँगी, आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, घंटी का ऑप्शन पर क्लिक करना ताकि मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको ऑटोमेटिक लॉक स्क्रीन वॉलपेपर ये अपडेट नहीं होता इसमें, लेकिन आपको एक ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर, होम स्क्रीन वॉलपेपर को आप चेंज कर पाएंगे या लॉक स्क्रीन वॉलपेपर को। ऑटो चेंज वॉलपेपर का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है, एक शॉर्टकट तरीके आपको मैं बताने जा रही हूँ। इसके लिए आपको यहाँ पर इस तरीके से प्रेस करना है और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इस तरीके से स्वाइप करना है और यहाँ पर आपको ये मिला है सफिक्स, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ सफल पर क्लिक कर देंगे ना, उसके बाद इस पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर ये आपको ये वॉलपेपर्स का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर ऑटो वॉलपेपर ये आपको इस पर क्लिक करना है तो ये ऑटोमेटिक चेंज होता है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इस पर क्लिक करना है। अब देखिए वॉलपेपर चेंज हो चुका है। तो गैलरी में जितना ही वॉलपेपर है ना, आपको कुछ नहीं करना है, इस पर टैप करना है और गैलरी का जितना ही वॉलपेपर, सॉरी गैलरी के बोल रही हूँ, जो भी इसमें लॉक स्क्रीन वॉलपेपर है वो सब ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। बस आपको इस पर क्लिक करना है इस तरीके से। ये बहुत शॉर्टकट और काफ़ी अच्छा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक करते जाना है आपको। ये देखिए हो चुका चेंज, और फिर से चेंज करना है तो फिर से आपको इस पर क्लिक करना है। ये देखिए आ चुका है सेटिंग, इस पर क्लिक कर देंगे आप ये और हो जाएगा। फिर से इस पर क्लिक करना है आपको, तो देखिए ये हो चुका है चेंज। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसमें ऑटोमेटिक लॉक स्क्रीन वॉलपेपर अपडेट नहीं होता। यहाँ पर अलग से आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, लेकिन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी जगह। देखिए बस आपको क्लिक करना है और ये जो होगा चेंज होगा। एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये लॉक स्क्रीन पर भी काम कर रहा है। तो लॉक स्क्रीन वॉलपेपर नहीं है, ये होम स्क्रीन वॉलपेपर है, बस आपको होम स्क्रीन वॉलपेपर ही चेंज होगा ये। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, देखिए तो इस तरीके से आप ये होम स्क्रीन वॉलपेपर को इनेबल कर सकते हैं। और भी आपको दिखा रही हूँ मैं चेंज करके, तो ये हो चुका है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो इस तरीके से आप इसे इनेबल करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन देखने को मिल जाता है इसमें। और यहाँ पर स्क्रॉलिंग का ऑप्शन मिल रहा है, आप चाहे तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए स्क्रॉलिंग का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे तो वापस वेफी आ जाएगा। और फिर से इस पर क्लिक करेंगे आप तो ये देखिए स्क्रॉलिंग, तो ये सभी आपको ऑप्शन मिल जाता है, इस तरीके आपसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसको वापस वैसे कर देती हूँ जैसे ही था, देखिए। तो इस तरीके से आप सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको दो ही चीज़ इसमें देखने को मिल जाता है, एक स्क्रॉलिंग और ये सफल, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, घंटी का ऑप्शन पर क्लिक करना ताकि मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।